हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। जब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू कुछ डेटा देते हैं तो उसका आउटपुट लेने के लिए हमें कुछ आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है, और इन आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें परफेक्ट रिजल्ट अच्छे तरीके से मिल सकता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, हेडफोन, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, GPS, प्लोटर, स्पीच सिंथेसाइजर या वॉइस रिकॉग्निशन और माइक्रोफ्रिज। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। अ मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस दैट इज ऑल्सो नोन एज वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इट इज यूज टू डिस्प्ले इमेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ कनेक्टेड कंप्यूटर वाया कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। मॉनिटर कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर के सिस्टम द्वारा दिए गए आउटपुट को देख सकते हैं। इसे हम वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध स्क्रीन डिस्प्ले से है। कंप्यूटर मॉनिटर दिखने में एक टीवी सेट की तरह होता है। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है। जब कंप्यूटर से कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं तो हम इसके द्वारा मॉनिटर स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं। डाटा टाइप करते समय यदि कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो उसे हम मॉनिटर स्क्रीन में देख के ही उसे एनालिसिस करके ही उसे एडिट कर सकते हैं। मॉनिटर को तीन भागों में बांटा गया है, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइटिंग एमिटिंग डायोड। कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में CRT तकनीक पर आधारित मॉनिटर का प्रयोग किया जाता था। कांच की पिक्चर ट्यूब से बने ये मॉनिटर भारी भरकम होते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली का प्रयोग करते थे। इसमें वास्तव में एक कांच की वैक्यूम ट्यूब को लगाया जाता है और इस पर इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम्स को छोड़ते हैं। इस ट्यूब की जिस सतह से बीम टकराती है उस पर फास्फोरस का लेप लगा होता है। गन से निकली हुई किरणें तीन रंगों की होती हैं। ये रंग है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। द नेक्स्ट वन इज LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यदि बात LCD मॉनिटर की जाए तो ये कंप्यूटर के मॉनिटर के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जिन कंप्यूटर में होता है उनमें दिखने वाली इमेज बहुत क्लियर होती है। ये फ्लैट पैनल मॉनिटर या लैपटॉप स्क्रीन के रूप में पाए जाते हैं। ये वही मॉनिटर की नई टेक्नोलॉजी है जिसमें पुराने CRT मॉनिटर को अब बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। LCD की मार्केट की मांग को देखते हुए इनमें रोजाना बदलाव किए जाते हैं। इनका वजन हल्का होता है और ये कम जगह लेते हैं। नेक्स्ट वन इज LED। LED का पूरा नाम है लाइटिंग एमिटिंग डायोड। ये फ्लैट पैनल है और थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले है जो बैक लाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट्स की बजाय बैक लाइटिंग के लिए लाइटिंग एमिटिंग डायोड का उपयोग करते हैं। LED मॉनिटर CRT और LCD की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं और ये वातावरण और पर्यावरण के अनुकूल माना गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज OLED मोनिटर। OLED का पूरा नाम है ऑर्गेनिक लाइटिंग एमिटिंग डायोड। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन, वुड, प्लास्टिक या पॉलीमर से बनी हुई, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। स्पीकर आर वन ऑफ द मोस्ट आउटपुट डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। सम स्पीकर्स आर डिजाइन टू वर्क स्पेशली विद कंप्यूटर्स व्हाइल अदर कैन बी हुक्ड अप टू एनी टाइप ऑफ साउंड सिस्टम्स। The purpose of a speaker is to produce audio output that can be heard by the listener. स्पीकर की बात करें तो स्पीकर एक कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं, जबकि अन्य स्पीकर किसी भी डिवाइस से जोड़े जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीकर की बात करें तो स्पीकर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस स्पीकर, वायर्ड स्पीकर, बार स्पीकर, बिल्ट इन स्पीकर, लाउड स्पीकर, टावर स्पीकर, वूफर स्पीकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर और मिड रेंज स्पीकर। एंड द नेक्स्ट इज अ प्रिंटर। आप लोगों ने प्रिंटर के बारे में तो सुना ही होगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स द इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर और अदर डिवाइस एंड जनरेट अ हार्ड कॉपी। This includes text, documents, image, or the combinations both. Printer एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है या आमतौर पर फोटो प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर,
मल्टीफंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर आते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर ये फिजिकली प्रिंट हेड को इंक रिबन पर प्रेस करके टेक्स्ट या इमेज बनाते हैं। अन्य प्रकार के प्रिंटर की तुलना में काफ़ी शोर करते हैं। वे अपने यूनिक फीचर्स के लिए मशहूर आमतौर पर उन व्यवसायों में उपयोग किए जाते हैं जहाँ पर मल्टी पार्ट्स प्रिंट होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इस कैटेगरी के प्रिंटर में कैरेक्टर और इमेज बनाने के लिए प्रिंटिंग मैकेनिज्म और पेपर के बीच कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए इन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इसमें कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इंक स्प्रे करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले डेजी व्हील्स प्रिंटर आता है। डेजी व्हील प्रिंटर केवल कैरेक्टर और सिंबल को प्रिंट करते हैं और वे ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करते। ये प्रति सेकंड लगभग 70 से 75 कैरेक्टर के प्रिंटिंग स्पीड के साथ आमतौर पर स्लो होते हैं। ये फिजिकली प्रिंट हेड को इंक रिबन पर प्रेस करके टेक्स्ट या इमेज बनाते हैं। अन्य प्रकार के प्रिंटर की तुलना में काफ़ी शोर करते हैं और अपने यूनिक फीचर के लिए मशहूर हैं। आमतौर पर उन व्यवसायों में उपयोग किए जाते हैं जहाँ पर मल्टी पार्ट प्रिंट होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंट हेड पेज पर मूव होता है। पिन के ग्रुप का उपयोग करके कैरेक्टर या ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। ये पिन एक डॉट बनाने के लिए पेपर पर इंक रिबन को पेपर पर प्रेस करते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर या इमेज डॉट की एक श्रृंखला से बनते हैं। ये प्रिंटर आमतौर पर सस्ते और टिकाऊ होते हैं, इसलिए इन्हें अभी भी कई बिजनेस द्वारा चालान प्रिंटर के रूप में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर प्रिंटिंग की क्वालिटी के अनुसार प्रति सेकंड 50 से 500 कैरेक्टर की स्पीड से प्रिंट किया जाता है। लाइन प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर की ही तरह होता है। हालांकि ये प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं। यह प्रिंट किए जाने वाली लाइन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके बफर मेमोरी का उपयोग करते हैं। फिर इन लाइनों को 500 से 3000 लाइन प्रति मिनट की रेट पर पेपर पर प्रिंट किया जाता है। ये प्रिंट करते समय बहुत शोर करते हैं। हाई स्पीड लाइन प्रिंटर 1000 से 2000 लाइन प्रति मिनट प्रिंट करते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में एड्रेस लेवल, पेरोल चेक, स्टेटमेंट या बिल प्रिंट करने के लिए उपयोगी होते हैं। ड्रम प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसके ऊपर सरफेस पर बैंड में कैरेक्टर उठे हुए होते हैं। ड्रम में प्रिंटिंग पोजीशन की संख्या पेज पर उपलब्ध संख्या के बराबर होती है। यह संख्या 80 से लेकर 132 प्रिंट पोजीशन तक होती है। ड्रम फास्ट स्पीड से घूमता है। इसमें कागज के पीछे स्थित एक प्रिंट हैमर होता है। यह हैमर ड्रम पर उचित कैरेक्टर के साथ इंक रिबन के साथ पेपर पर स्ट्राइक करता है। प्रत्येक लाइन को प्रिंट करने के लिए ड्रम को एक चक्कर की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कि लाइन के सभी कैरेक्टर एक ही समय में प्रिंट नहीं होते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। छोटे डॉट के पैटर्न का उपयोग करते हुए एक लेज़र बीम कंप्यूटर से सूचना को एक पॉजिटिव चार्ज ड्रम में ट्रांसफ़र करता है। टोनर जिसमें इंक पाउडर होता है उसे कागज़ पर ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर कागज़ पर लेटर्स और अदर ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। एक लेज़र प्रिंटर की कीमत इंक जेट प्रिंटर से अधिक होती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर पेज बहुत कम होती है। इंकजेट प्रिंटर जिसे आप एक विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कहते हैं, उसके माध्यम से इंक नोजल से इंक का छिड़काव करके कागज़ पर अक्षर बनाते हैं जो अवशोषित इंक पार्टिकल्स को लगभग 250 कैरेक्टर पर सेकंड की दर से स्प्रे करता है। इंक पेपर में अब्जॉर्ब हो जाती है और तुरंत सूख जाती है। इंकजेट प्रिंटर रंगों में भी प्रिंट कर सकते हैं। इंकजेट कार्टेज पर पेज लागत पर लेज़र प्रिंटर की तुलना में बहुत अधिक है। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रिंट निकाला जा सकता है। पोर्टेबल प्रिंटर को लाने और कहीं ले जाने में बहुत आसानी होती है। यह प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा महंगे होते हैं। इनकी प्रिंट निकालने की स्पीड सामान्य प्रिंटरों की तुलना में बहुत कम होती है। इन्हें डिजिटल कैमरे से तत्काल फोटो निकालने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर आप लोगों ने कई जगह देखा होगा या फोटोस्टेट की शॉप होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर या ऑल इन वन प्रिंटर ये ज़्यादा वजन वाले लेज़र प्रिंटर होते हैं जो कि अधिकतर ऑफिसों में मिलते हैं या फिर मोस्टली शॉप पे या दुकानों पे मिलते हैं। इसमें फोटोकॉपी, स्कैन, प्रिंट, इसलिए इस प्रिंटर में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और किसी को कहीं अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता या अलग अलग मशीनें या इक्विपमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्हें मल्टीफंक्शनल प्रिंटर भी कहते हैं। थर्मल प्रिंटर हीट सेंसिटिव पेपर पर इमेज बनाने के लिए गर्मी का उपयोग करते हैं।
इन प्रिंटरों का उपयोग ATM और पेट्रोल पंप्स पर रिसिप्ट पंप करने के लिए किया जाता है। आपने पेट्रोल पंप पे या फिर ATM में देखा होगा जो रिसिप्ट निकलती है, या पेट्रोल पंप पे आप पेमेंट करने के बाद आपको जो रिसिप्ट मिलती है वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स इमेज जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर और ब्लू रे प्लेयर एंड रिप्रोड्यूस देम बाय प्रोजेक्शन ऑन टू अ स्क्रीन, वॉल और अनदर सरफेस। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को बड़ी सतह जैसे कि सफ़ेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। वीडियो या इमेज को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर को आसान भाषा में बताएं तो आप यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सीरीज ऑफ चिप्स, लेंस, कलर व्हील्स और दूसरे गैजेट्स और गिज़मों का इस्तेमाल होता है जो कि एक बीम ऑफ लाइट को ग्रहण करता है और उसे बदल देता है। आपके फेवरेट मूवी और टीवी शो को भी वह बहुत बढ़िया हाई डेफिनेशन डिटेल्स के साथ दिखाता है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर कई प्रकार के होते हैं लेकिन उनमें से तीन सबसे ज़्यादा मुख्य होते हैं, DLP प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर और CRT प्रोजेक्टर। DLP प्रोजेक्टर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, LCD प्रोजेक्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर एंड CRT कैथोड रे ट्यूब प्रोजेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं DLP प्रोजेक्टर की। DLP टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है एक ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर के ऊपर जिसे कि DMD कहा जाता है, जिसमें 2 मिलियन छोटे छोटे मिरर होते हैं। इस चिप में प्रत्येक मिरर स्वतंत्र एडजस्टमेंट करने में सक्षम है जो लाइट सोर्स से दूर या पास मूव होकर डार्क या लाइट पिक्सल्स बनाता है। कलर को DMD लाइट द्वारा दिया जाता है जो चिप तक पहुंचने से पहले एक स्पिनिंग कलर चक्र से गुजरता है। रंगीन चक्र का प्रत्येक खंड एक कलर प्रदान करता है। कलर DMD तक पहुंचने के बाद इमेज लेंस के माध्यम से प्रक्षेपण स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की जाती है। द नेक्स्ट वन इज LCD प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर इमेज को बनाने और उसे प्रोजेक्ट करने के लिए लाइट सोर्स का उपयोग करते हैं। इसमें लाइट 3 LCD चिप्स के माध्यम से गुजरकर इमेज को बनाते हैं। LCD इन प्रोजेक्टरों को बहुत छोटे लिक्विड क्रिस्टल पैनलों का उपयोग करके बनाया गया है जहां प्रतिबिंब के बजाय प्रकाश का पारगमन होता है। यह हर रंग के लिए 3 पैनलों का उपयोग करते हैं, हालांकि एक चौथे पैनल का उपयोग रंग की जनरेशन में सुधार के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं LED प्रोजेक्टर की। LED प्रोजेक्टर एक ऐसा प्रोजेक्टर है जो फ्लैट स्क्रीन पर वीडियो सामग्री को प्रोजेक्ट करने के लिए लाइटिंग एमिटिंग डायोड का उपयोग करता है। यह उपयोगकर्ताओं को बहुत अच्छी कलर की क्वालिटी की गारंटी देता है। LED प्रोजेक्टर बेहतर कलर प्रदान करने के साथ ही बहुत कम बिजली की खपत करता है और इसकी मेंटेनेंस लागत भी बहुत कम होती है। इसके अलावा LED प्रोजेक्टर छोटे होते हैं और कम गर्मी पैदा करते हैं। आउटपुट इज हेडफोन। Headphones are a hardware device that can be plugged into a computer, laptop, smartphone, MP3 player or other device to privately listen to audio without disturbing anyone. अगर हेडफोन की बात की जाए तो हेडफोन का उपयोग भी साउंड आउटपुट के लिए ही काम में लिया जाता है, मगर ये यूनी डिवाइस होता है जिसका उपयोग आप इनपुट डिवाइस के रूप में भी कर सकते हैं या आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर कंप्यूटर को संदेश भेजने और संदेश का प्रत्युत्तर प्राप्त करने में इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में काम आता है। हेडफोन छोटे लाउड स्पीकरों की एक जोड़ी है। इन्हें उपयोगकर्ताओं के कान के पास लगाया जाता है और ये ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो या CD प्लेयर जैसे एकल स्रोत से भी जोड़ने के काम में आती है। साउंड कार्ड। अ साउंड कार्ड इज एन एक्सपेंसिव कंपोनेंट यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू रिसीव एंड सेंड ऑडियो। साउंड कार्ड्स आर कॉन्फिगर्ड एंड यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड अ डिवाइस ड्राइवर। द इनपुट डिवाइस अटैच्ड टू अ रिसीव ऑडियो डेटा इज यूजली अ माइक्रोफोन while the device used to output audio data is generally speakers or headphone. यदि साउंड कार्ड की बात करें तो यह कंप्यूटर से साउंड को निकालने में मदद करता है या एक तरह का इंटरनल एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम के द्वारा इनपुट आउटपुट के ऑडियो सिग्नल में मदद करता है। साउंड कार्ड एक तरह का हार्डवेयर होता है जो आयत आकार में होता है और मदरबोर्ड के PCI स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। उसके बाद यह स्पीकर और माइक से जोड़े जाते हैं जिससे कि कंप्यूटर की मदद से यह आवाज़ निकाल सकें। साउंड कार्ड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के आते हैं। एक्सटर्नल साउंड कार्ड को हम USB पोर्ट की मदद से कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज वीडियो कार्ड और ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड इज अ हार्डवेयर विच इज यूज टू इंक्रीज द वीडियो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड मेक इट्स डिस्प्ले क्वालिटी मोर हाई डेफिनेशन। इट मेक्स द कंप्यूटर मोर पावरफुल एंड गिव्स इट द कैपेसिटी टू डू मोर हाई लेवल वर्क्स। द क्वालिटी ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ग्राफिक कार्ड्स। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गेमिंग and video editing on PC.
ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड एक कंप्यूटर हार्डवेयर का पीस है जो सभी ग्राफिक्स को मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन अर्थात मॉनिटर पर जो भी ग्राफिक्स दिखाई देता है जैसे पिक्चर, वीडियो, एनिमेशन इत्यादि, उन सभी को डिस्प्ले तक रेंडर करने का काम इन्हीं ग्राफिक कार्ड्स का होता है। ऐसा करने के लिए ग्राफिकल डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है जिससे मॉनिटर उसको समझ पाता है। ग्राफिक कार्ड एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। ग्राफिक कार्ड को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स एडेप्टर, डिस्प्ले एडेप्टर, वीडियो कंट्रोलर आदि। हम बात करते हैं GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की। GPS और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट प्रोवाइड्स लोकेशंस, वेलोसिटी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन। GPS एक ऐसा सिस्टम है जो कि तीन चीज़ों से बना हुआ होता है, सैटेलाइट्स, ग्राउंड स्टेशंस और रिसीवर। GPS एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली होता है जो कि सभी मौसम की स्थिति में स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है, फिर चाहे वो धरती के किसी भी जगह में क्यों ना स्थित हो। यह प्रणाली पूरी दुनिया भर के सैन्य, नागरिक और वाणिज्य उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। ये GPS एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है जो कि बनी हुई 24 सैटेलाइट्स के नेटवर्क समूह के द्वारा, जिन्हें धरती के ऑर्बिट में रखा गया है, उनका उपयोग करती है। GPS का उपयोग आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है और ये जानने के लिए भी किया जाता है कि व्यक्ति किस स्थान पर है। हमारे भारत में जितनी भी टैक्सी चल रही हैं मोस्टली सभी GPS का यूज़ करते हैं। आजकल लोग मोस्टली अपनी गाड़ियों में भी GPS लगाने लगे हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनकी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर है। द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज अ फ्लोटर। अपलोटर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक अ प्रिंटर दैट इज यूज फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ टोनर। प्लोटर यूज अ पेन, पेंसिल, मार्कर और अनदर राइटिंग टूल टू ड्रॉ मल्टीपल कंटिन्यूस लाइन ऑन टू अ पेपर रैदर देन अ सीरीज ऑफ डॉट लाइक अ ट्रेडिशनल प्रिंटर। छोटे मोटे पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आपने अपने घरों में, ऑफिसों में या दुकानों में जरूर देखा होगा। लेकिन जब बात बड़े साइज की प्रिंट की जाए, जैसे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, किसी ब्रिज या डैम का ब्लू प्रिंट, तब आप इन जगह पर नॉर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसे प्लॉटर कहते हैं। एक प्लॉटर असल में प्रिंटर ही होता है जिसे वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। ये पेपर में इंडिविजुअली डॉट्स को प्रिंट करने की जगह पेपर में कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करते हैं। यही प्लॉटर को आर्किटेक्चरल ब्लू प्रिंट्स, इंजीनियरिंग डिजाइंस और दूसरे कैड ड्राइंग्स को करने के लिए आइडियल बनाते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज स्पीच सिंथेसाइजर और वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन इज अ टेक्निक इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बाय विच स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स आर क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश एंड ऑथेंटिकेट द वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर। वॉइस रिकॉग्निशंस इवेल्यूएट द वॉइस बायोमेट्रिक ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज फ्रीक्वेंसी एंड फ्लो ऑफ देयर वॉइस एंड देयर नेचुरल एक्सेंट। वॉइस रिकॉग्निशंस को स्पीच रिकॉग्निशंस भी बोला जाता है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जिसमें ह्यूमन को समझने की काबिलियत होती है। गूगल, मुझे भूख लगी है। मुझे आपके पास कुछ रेस्टोरेंट की जगह मिली है। प्रथम वाला GP गौतम्स पैराडाइज रेस्टोरेंट है। स्पीच रिकॉग्निशंस एक टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन द्वारा बोले गए वर्ड्स को इनपुट के जैसे लेता है और उन वर्डों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसे समझ के उसके ऊपर एक्शन लेता है। टर्न ऑन फ्लैशलाइट। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोबाइल फोन ऑपरेट करने के लिए, मोबाइल को कमांड देने के लिए और वॉइस के जरिए सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको कोई कीबोर्ड, माउस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं या कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ASR, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। एलेक्सा, व्हाट इज द टाइम? इट्स 11:39 PM। इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण है गूगल असिस्टेंट, जो गूगल का ही एप्लीकेशन है, या सीरी जो एप्पल का एप्लीकेशन है। एंड द लास्ट वन इज माइक्रोफिच और माइक्रोफिल्म। माइक्रोफिल्म्स इज एनालॉग स्टोरेज मीडियम यूजिंग फिल्म्स रील्स व्हिच आर एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड इनटू फोटोग्राफिक रिकॉर्ड यूजिंग अ फोटोग्राफिक प्रोसेस। इट इज टिपिकली यूज्ड टू स्टोर पेपर डॉक्यूमेंट्स सच एज पेरिडिकल, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। माइक्रोफिल्म एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें एक माइक्रोफिल्म होती है जिससे हम टेक्स्ट या पिक्चर्स को 35 mm की फिल्म कोटेड में स्टोर करके रखते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर पेरोल अकाउंटिंग, इंश्योरेंस इन्वेंट्री और एम्प्लॉय का डाटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके रखने के लिए होता है। माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिश का प्रयोग माइक्रोफोन में कॉपी या कैसेट रील के कैप्चर्ड पिक्चर को माइक्रोफिश रीडर द्वारा रीड किया जाता है। इसमें एक लेंस होता है जिसके माध्यम से हम पिक्चर्स या फोटो को रीसाइज या जूम कर सकते हैं। इसका प्रयोग डेटा को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए किया जाता है।